Guys, welcome you all on my YouTube channel, and that is Come and Learn. My name is Aditi, and today we will discuss about very important topic in reasoning, and that is blood relation. आज हम ब्लड रिलेशन के सेकेंड टाइप को डिस्कस करेंगे. इससे पहले वाली वीडियो में हमने फर्स्ट टाइप को डिस्कस किया था. आज हम सेकेंड टाइप को डिस्कस करेंगे. अगर आपको ब्लड रिलेशन का बेसिक जानना है, दैट हाउ टू मेक चार्ट्स, हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस, देन आप प्लीज़ पहली वीडियो को एक बारी देख लीजिए. उसमें मैंने आपको चार्ट बनाना सिखाया है कि ब्लड रिलेशन के ऊपर चार्ट कैसे बनाते हैं और उसके क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं. आज हम सेकेंड टाइप को डिस्कस करेंगे, और ये टाइप भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. ये भी एग्जाम्स में बहुत बारी पूछी जाती है. डायरेक्टली इसमें से 5 क्वेश्चंस आ जाते हैं. एक क्वेश्चन दिया होता है और उसके सब 5 पार्ट्स दे दिए जाते हैं और उसमें से ही क्वेश्चंस आ जाते हैं. तो चलिए अब हम सेकेंड टाइप को डिस्कस करते हैं. चलिए करते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन, एंड दैट इज़. क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो ये टाइप होती है, इसमें भी वैसे ही करना होता है. सेम चार्ट आपको बनाना होता है, बस इसमें थोड़ा सा प्रोसीजर लेंथी हो जाता है. मतलब ये उस टाइप से तो ईजी है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि ये एग्ज़ाम्स में आजकल बहुत आ रही है, और ये उस टाइप फर्स्ट टाइप से बहुत ईजी टाइप है ये. तो चलिए देखते हैं. ए इज़ ब्रदर ऑफ सी एंड सी इज़ सिस्टर ऑफ ए. आर एंड डी आर ब्रदर एंड सिस्टर. आर इज़ द सन ऑफ जेड, वाइल जेड एंड सी आर वाइफ एंड हस्बैंड. हाउ इज़ ए रिलेटेड विद बी, सॉरी डी. तो चलिए अब हम चार्ट बनाते हैं. अब जैसे कि यहाँ दिया है दैट ए इज़ ब्रदर ऑफ सी, तो हम पहले चार्ट बनाते हैं. A is brother of C. Brother है C का, तो हम सिंगल ये वाली लाइन ड्रॉ करेंगे. आपको मैंने बताया था कि सिबलिंग्स के लिए लाइन ड्रॉ होती है, मैरिड कपल्स के लिए ये लाइन ड्रॉ होगी, और अगर जनरेशन्स है तो उनके लिए ऐसे लाइन ड्रॉ होगी, और अगर मेल है तो उनके लिए माइनस का साइन, और अगर फीमेल है तो उनके लिए प्लस का साइन. ठीक है, तो चलिए ए इज़ ब्रदर ऑफ सी. अब हमें उन्होंने बता दिया है क्वेश्चन में कि ए जो है वो उसका ब्रदर है, मतलब ए एक मेल है. ठीक है, तो हम ए के लिए माइनस का साइन लेंगे, और वो सी का ब्रदर है. हमें सी का कुछ नहीं बताया अभी तक. आगे पढ़ते हैं. एंड सी इज़ सिस्टर ऑफ ए. अब उन्होंने ये भी बता दिया कि सी कौन है, फीमेल है, वो एक सिस्टर है ए की, तो उसके लिए प्लस का साइन. आर एंड डी आर ब्रदर एंड सिस्टर. अब इनका कोई कनेक्शन नहीं है ए और सी से, तो हम इनको अलग कहीं बना लेते हैं साइड पर. आर एंड डी आर ब्रदर एंड सिस्टर. अब आर एंड डी आर ब्रदर एंड सिस्टर. अब हमें ये नहीं पता है कि आप ब्रदर कौन है और सिस्टर कौन है, तो उसके लिए हम अभी इनको ऐसे ही छोड़ देते हैं. नेक्स्ट पढ़ते हैं. आर इज़ द सन ऑफ जेड. अब उन्होंने हमें बता दिया जो आर है वो सन है, मतलब मेल है, लेकिन सन किसका है, जेड का. तो हम यानी कि आर जो है, जेड जो है उससे ऊपर वाली जनरेशन है, मतलब उसका पेरेंट है, तो हम ऊपर को बनाएंगे. आर इज सन ऑफ जेड. अब हमें जेड का नहीं पता है कि वो मेल है या फीमेल है. आगे बढ़ते हैं. वाइल जेड एंड सी आर वाइफ एंड हस्बैंड. अब हमें उन्होंने ये बता दिया दैट जेड एंड सी आर वाइफ एंड हस्बैंड. अब एक बार ये देखिए, जो सी है वो यहाँ पे भी दिया गया, तो ठीक है, यानी कि हमें कोई कनेक्शन मिल गया आपस में. अब हम यहाँ से ही कंटिन्यू कर सकते हैं, या फिर सीधा यहीं पर बना सकते हैं. चलो मैं आपको यहीं पर बना के दिखा देती हूँ. अब उन्होंने लिखा है दैट आर इज सन ऑफ जेड, वाइल जेड एंड सी आर वाइफ एंड हस्बैंड. यानी कि वाइफ एंड हस्बैंड है, मैरिड कपल है, तो डबल लाइन यूज होगी. अब हमें ये नहीं पता है, लेकिन हमें अब अगर आप यहां से देखेंगे, क्योंकि यहां पे हमें पता था कि जो सी है वो फीमेल है, मतलब सी अगर फीमेल है तो ऑब्वियसली बात है जेड मेल होगा, क्योंकि हस्बैंड एंड वाइफ है. अगर एक फीमेल है तो दूसरा मेल होगा. अब हमें यह भी यहाँ से पता है दैट जो सी है वो एक, जो ए है उसका ब्रदर है, सी का ब्रदर है, तो हम यहाँ पे ए को भी बना लेते हैं साथ में. सी का ब्रदर है, तो इसलिए सी के साथ बनाएंगे. अब हमसे क्वेश्चन में पूछा है दैट हाउ इज ए रिलेटेड विद डी. अब ए का डी के साथ क्या कनेक्शन है. अब हम देखते हैं, जो हमें डी है उसका हमें कुछ नहीं पता है कि वो फीमेल है या मेल है, कि वो फीमेल है या मेल है. लेकिन एक मिनट रुकिए,
आपको यहाँ पर दिया गया था दैट आर एंड डी आर ब्रदर एंड सिस्टर, मतलब हमें ये पता है कि आर और डी एक इसमें से एक ब्रदर है और इसमें से एक सिस्टर है. अब हमें आर का तो जेंडर पता है, आर एक मेल है तो ऑब्वियस सी बात है जेड क्या और डी क्या होगा, वो फीमेल है. ठीक है, अब हमें सबके जेंडर भी पता चल गए हैं, अब हम रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं आराम से. ऊपर वाली जनरेशन जो होती है वो पेरेंट जनरेशन कहते हैं और नीचे वाली चाइल्ड जनरेशन होती है. ठीक है, हाउ इज ए रिलेटेड विद डी, अब ए का डी के साथ क्या कनेक्शन है. अब आपको पता है जो आर एंड डी है वो ब्रदर एंड सिस्टर हैं. ठीक है, और आर एंड डी किसके बच्चे हैं, जेड और सी के, क्योंकि ये हस्बैंड वाइफ है तो मतलब इनके ये बच्चे हुए. यहाँ पे भी मैं लाइन ड्रॉ कर देती हूँ, थोड़ा ईज हो जाएगा. अब हमसे कनेक्शन के साथ पूछा लेकिन ए का, अब ए जो है वो डी का क्या लगा. अब आपको पता है जो सी का वो ए जो है वो उसका भाई है. ठीक है, तो यानी कि डी का वो क्या लगेगा, मदर की तरफ से हम रिलेशन को क्या कहते हैं, मैटरनल. मैटरनल, ठीक है, तो मदर की तरफ से रिलेशन है वो तो मैटरनल हुआ, लेकिन हुआ क्या, अब नेगेटिव साइन है तो मतलब मेल है, तो मतलब डी का वो मैटरनल अंकल हुआ क्योंकि वो सी का भाई है. ठीक है, तो आंसर हमारा क्या होगा, दैट हमसे किसका कनेक्शन पूछा, दैट हाउ इज ए रिलेटेड विद डी, मतलब ए डी का क्या लगता है, ए डी का क्या लगेगा, ए डी का है मैटरनल अंकल. क्लियर, अब हम बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, एंड दैट इज पीज फादर, मतलब पी का जो फादर है इज ए सन, यानी कि जो पी का फादर होगा वो ए का बेटा होगा. एम इज पेटर्नल अंकल ऑफ पी, एम जो है वो पी का पेटर्नल अंकल है, एंड एन इज ब्रदर ऑफ ए, और एन जो है वो ए का भाई है. हाउ इज एन रिलेटेड ऑफ एम, एन का एम के साथ क्या रिलेशन है. तो चलो ये बनाते हैं फिर से इसको चार्ट के साथ. पी इज फादर इज ए सन, यानी कि जो पी का फादर है मतलब हम ये है पी. अब हमें ये नहीं पता है कि पी क्या है, मेल है या फीमेल है, क्योंकि ये अभी हमें क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया गया, तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे. पी का कोई फादर है, हमें ये नहीं पता कि कौन उसका फादर है, लेकिन पी इज फादर इज एज सन. इसका क्या मतलब हुआ कि जो पी का जो भी है फादर है उसका, वो किसका, उसका फादर कौन है, वो ए है. यानी कि एक फादर जो है वो उसके भी ऊपर आएगा क्योंकि वो उसका भी फादर है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है दैट पी का जो भी फादर है, मतलब पी का कोई भी फादर है, हम उसको चलो हम एफ ले लेते, फादर ही ले लेते हैं. पी का जो भी फादर है इज ए सन, यानी कि वो ए का बेटा है. ठीक है, ये ए का बेटा है, एज सन. तो यानी कि आगे हम पढ़ते हैं, अब आगे एम इज पेटर्नल अंकल ऑफ पी, एम जो है वो पी का पेटर्नल अंकल है. पेटर्नल का मतलब क्या है, जो फादर के साइड के रिलेशन होते हैं, यानी कि वो फादर का क्या होगा, एम भाई होगा, तभी वो पी का पेटर्नल अंकल बनेगा, क्योंकि पेटर्नल अंकल कौन होता है, हमारे फादर का भाई जो होगा वो हमारे लिए पेटर्नल अंकल होगा, और मेटर्नल अंकल कौन होगा, जो हमारी मदर का भाई होगा. ठीक है, तो यानी कि फादर का ये भाई हुआ तभी वो पी के लिए मेटर्नल अंकल बना. एंड एन इज ब्रदर ऑफ ए, एन जो है वो यहाँ पे है ए, वो ए का ब्रदर है, माइनस के साइन, क्योंकि वो ब्रदर है, जेंडर मेंशन है. हाउ इज एन रिलेटेड ऑफ एम, अब एन का एम के साथ हमें कनेक्शन पूछा है. ठीक है, अब यानी कि अब आपको पता है इसका जो फादर है एम और ये जो है दोनों पर्सन्स हैं जो, इनका फादर कौन है, ए है, और ए का भाई कौन है, एन है. तो एन के लिए एम मतलब एन एम का क्या लगा, ऑब्वियस ही बात है क्योंकि फादर के साइड का रिलेशन है तो फादर का वो भाई है उनके लिए, तो उनके लिए पैटर्नल अंकल लगा. अब हम ऑप्शंस में जाते हैं, ए ऑप्शन ब्रदर, ब्रदर तो नहीं है, नेफ्यू वो भी नहीं है, कजन भी नहीं है, नन ऑफ दीज, डाटा इनएडिक्वेट, डाटा इनएडिक्वेट नहीं है, नन ऑफ दीज है. डाटा इनएडिक्वेट तब होता है जब हमें किसी का जेंडर मेंशन ना हो या कुछ भी मेंशन ना हो, लेकिन हमें क्लियरली दिख रहा है कि उसका पेटर्नल अंकल है जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए नन ऑफ दीज इसका राइट आंसर है. ठीक है, तो आंसर हमारा क्या है, पेटर्नल अंकल.
जस्ट अ मिनट गाइस, एक मिस्टेक हुई है एक्चुअली. यहाँ पे हमें ए का जेंडर उन्होंने हमें दिया नहीं हुआ है, वहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है कि ए का वो सन है, ठीक है, तो हमें लेकिन ए का जेंडर नहीं दिया है. माई मिस्टेक, मैंने गलती से इसका मेल कर दिया. तो ये आपको भी पेपर में ख्याल रखना है कि आप गलती से कोई भी जेंडर अपनी तरफ से अज्यूम नहीं करोगे. मेरे से भी गलती हुई, आपसे भी हो सकती है. तो इसलिए वो सिर्फ अंकल है, क्योंकि हमें ये नहीं पता है कि वो ए मदर है इनकी, इन दोनों की वो मदर है या उन दोनों का वो फादर है, हमें ये मेंशन नहीं है. तो यानी कि ये सिर्फ अंकल हुआ, क्योंकि ये तो पता ना कि ये मेल है. अगर ये भी नहीं पता होता फिर तो डाटा इनएडिक्वेटी होता, ठीक है. इसलिए ये हम नहीं लिखेंगे कि पटर्नल अंकल है, ये अंकल ही है, क्योंकि ये नहीं पता कि मेटर्नल है या पेटर्नल है. ओके, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एंड दैट इज, क्याउ इज ब्रदर ऑफ एस, पी इज सिस्टर ऑफ क्याउ, टी इज ब्रदर ऑफ आर, आर इज डॉटर ऑफ एस, एंड हु आर द सिबलिंग्स ऑफ क्याउ. तो चलिए हम चार्ट बनाते हैं. क्याउ इज ब्रदर ऑफ एस, यानी कि क्याउ जो है वो एस का भाई है, ये हमें मेंशन है. लेकिन एस का नहीं मेंशन कि एस क्या है, फीमेल है या मेल है. पी इज सिस्टर ऑफ क्याउ, जो पी है वो क्याउ की सिस्टर है, यानी कि मेंशन है, तो यहाँ पे प्लस का साइन. टी इज ब्रदर ऑफ आर, अब जो टी है वो ब्रदर है आर का. अब हमें कुछ नहीं मेंशन है कि इन तीनों के साथ टी और आर का कोई कनेक्शन है या नहीं है, तो हम साइड पे बना लेते हैं फिलहाल के लिए. टी इज ब्रदर ऑफ आर, आर का कोई जेंडर मेंशन नहीं है लेकिन टी का मेंशन है, क्योंकि टी का ब्रदर है आर का. आर इज डॉटर ऑफ एस, चलो कनेक्शन मिल गया आर का भी. आर इज डॉटर ऑफ एस, एस यहाँ पे है, यानी कि आर क्या है, डॉटर है एस की, यानी कि ये प्लस साइन आएगा. और यहाँ पे इसको भी हम यहाँ भी बना लेते हैं, क्योंकि टी जो है उसका भाई है. हु आर द सिबलिंग्स ऑफ क्याउ, अब हमें पूछा है कि क्याउ के कौन सिबलिंग्स हैं. सिबलिंग्स का मतलब भाई या बहन कौन है, ठीक है. तो ऑब्वियस बात है पी और एस भाई है, क्योंकि ये भी क्याउ जो है पी की सिस्टर है, सॉरी क्याउ जो पी है वो क्याउ की सिस्टर है. और एस का हमें कुछ नहीं पता है कि वो ब्रदर है या सिस्टर है, लेकिन सिबलिंग्स तो है ना, इतना तो पता है. तो आंसर हमारा पी और एस होना चाहिए. आर एंड पी बिल्कुल नहीं, पी एंड एस, हाँ जी यही है. क्याउ एंड टी तो हो ही नहीं सकता, एस एंड टी भी नहीं हो सकता, नन ऑफ दीज भी नहीं, क्योंकि ऑप्शन में मेंशन है. चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चंस होते हैं यही मेनली पेपर में आते हैं. आपको ऐसी स्टेटमेंट्स दे दी जाती है और इसके कम से कम 5 क्वेश्चंस तो होते ही हैं, चलो 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, मतलब ऐसे ही एक क्वेश्चन है. इनके फर्दर 2 2 3 पार्ट्स डिवाइड कर दिए जाते हैं सब पार्ट्स में. तो हम करते हैं अब, यही ऐसे के क्वेश्चन जो होते हैं मेनली एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो प्लीज़ ध्यान से देखना. इन अ फैमिली ऑफ 6 पर्सन्स, यानी कि 6 पर्सन्स की फैमिली है, ठीक है, 6 मेंबर्स हैं फैमिली में, ए बी सी डी ई एंड एफ, ये नाम है उनके. एंड देयर आर 2 मैरिड कपल्स, यानी कि ए बी सी डी ई एफ में 2 जो है वो मैरिड कपल्स हैं. अब हम आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं. डी इज़ द ग्रैंड मदर ऑफ ए, अब डी जो है हम बनाते भी हैं साथ में, डी जो है वो ग्रैंड मदर है ए की. अब डी जो है वो ग्रैंड मदर है, यानी कि ऊपर वाली जनरेशन में ही आएगी, क्योंकि यानी कि इसका भी कोई बेटा या बेटी होगी, उसकी जो है बेटा या बेटी ए है. यानी कि ये तो हमें पता है कि जो डी है वो फीमेल है, क्योंकि वो ग्रैंड मदर है. अब हमें ये नहीं पता कि इसके नीचे बेटा है या बेटी है, लेकिन इतना पता है कि उसका जो भी है वो ए उसका बच्चा है या चाइल्ड है. एंड मदर ऑफ बी, यानी कि डी जो है वो ए की ग्रैंड मदर है और वो बी की मदर है, ये भी बता दिया अब तो, यानी कि बी की मदर है, बी यहाँ पे आएगा. सी इज वाइफ ऑफ बी, अब जो सी है वो बी की वाइफ है, यानी कि बी क्या हुआ, मेल हुआ, क्योंकि सी उसकी पत्नी है तो वो हस्बैंड ही हुआ. एंड मदर ऑफ एफ, अब जो सी है वो बी की वाइफ है और एफ की मदर है. एफ इज ग्रैंड डॉटर ऑफ ई, एफ का हमें बता दिया है कि वो ग्रैंड डॉटर है, मतलब वो फीमेल है. ग्रैंड डॉटर किसकी है, ई की, यानी कि ई की वो ग्रैंड डॉटर है. तो मतलब डी अगर ये फीमेल है तो इसका हस्बैंड कौन हुआ, ई. क्योंकि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, अभी क्वेश्चन में तो आप बोलोगे कि हमें ये तो मेंशन ही नहीं है. अब क्वेश्चन में उन्होंने सबसे पहले तो दिया है दैट इन अ फैमिली ऑफ 6 पर्सन्स देर आर, मतलब एक फैमिली में सिर्फ 6 पर्सन्स हैं. तो अब 6 पर्सन्स हैं तो इनके अलावा तो और कुछ हो नहीं सकता, तो ऑब्वियस ही बात है फिर हम यही लेंगे ना.
हाँ अगर ऐसा मेंशन ना किया गया था कि कितने पर्सन है फैमिली में, फिर हमें होना था कि नहीं वो तो मेंशन है नहीं, ये चीज़ मेंशन नहीं है, तो हम कैसे कर सकते हैं, ये थोड़ी मेंशन है कि वो डी का ही हस्बैंड है या डी की वो ई जो है उसका हस्बैंड है, फिर प्रॉब्लम होनी थी। लेकिन अगर ऑलरेडी मेंशन है क्वेश्चन में कि एक फैमिली है जिसमें सिर्फ 6 मेंबर्स हैं, तो इनके अलावा तो और कोई हो ही नहीं सकता। अब हमें बस ये नहीं इस क्वेश्चन में पता है कि ए का क्या जेंडर है, ए एक मेल है या फीमेल है। अब हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, स्टार्ट को देखते हुए आपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। व्हाट इज सी टू ए, जो सी है वो ए की क्या है। अब हम यहाँ से देख सकते हैं जो सी है ए की क्या लगी, सी क्या लगी, मदर लगी, क्योंकि ये बी और जो सी है वो हस्बैंड वाइफ है और ए और एफ उनके बच्चे हैं, ठीक है। क्योंकि अगर बी जो है ए का बेटा है और सी एफ का बेटी है, ए तो चलो हमें पता नहीं कौन है बेटा या बेटी है, लेकिन बच्चा तो है उनका, चाइल्ड है, तो फिर ऑब्वियस ही बात है ए और एफ सिबलिंग्स हुए आपस में, ठीक है। तो अब सी ए की क्या लगी, सी ए की मदर लगी, तो ऑप्शंस में देख लेते हैं, डॉटर नहीं है, ग्रैंड मदर नहीं है, मदर है, ऑप्शन हमारा आंसर सी इज द राइट वन। हाउ मेनी मेल मेंबर्स आर देयर, सेकेंड क्वेश्चन, हाउ मेनी मेल मेंबर्स आर देयर इन अ फैमिली। अब हम ये रिकग्नाइज नहीं कर सकते कि मेल मेंबर्स कितने हैं फैमिली में, क्योंकि हमें ए का तो जेंडर ही नहीं पता है कि वो मेल है या फीमेल है, मेल भी तो हो सकता है फीमेल भी हो सकता है, अननोन है, तो हम नहीं बता सकते कि कितने मेल मेंबर्स हैं। क्योंकि अगर हम इन दोनों को सिर्फ काउंट करेंगे मेल, अगर ये भी मेल निकल आया बाद में, फिर आंसर इज द रॉन्ग वन देन। इसलिए हम ये लिख सकते हैं दैट 2, 3, 4 तो रहेगा नहीं, तो कांट बी डिटरमाइन, क्योंकि ये डिटरमाइन नहीं हो सकता क्योंकि हमें ये मेंशन ही नहीं है क्वेश्चन में कि ए क्या है। थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इसमें से इन स्टेटमेंट्स में से ट्रू कौन सी है। ऑप्शन ए इज ब्रदर ऑफ एफ, ए इज ब्रदर ऑफ एफ, हमें क्या पता ए ब्रदर है या सिस्टर है क्योंकि मेंशन नहीं है। डी हैज़ 2 ग्रैंडसन्स, जो डी है उसके 2 ग्रैंडसन्स हैं। देखिए एक तो ग्रैंडसन्स तो 2 हो ही नहीं सकते, क्योंकि एक तो एफ है वो उसकी ग्रैंड डॉटर है, ठीक है, ये तो वैसे ही गलत है। अगर मतलब चलो ये वैसे भी गलत है क्योंकि एफ जो है उसकी वो ग्रैंड डॉटर है और 2 ही उसके ग्रैंड चाइल्ड हैं, चिल्ड्रन है। बी हैज़ 2 डॉटर्स, जो बी है उसकी 2 डॉटर्स हैं, हमें क्या पता ये सिस्टर है, मतलब ये उनकी जो बेटी है या बेटा है, मेंशन नहीं है तो ये भी नहीं हो सकता। नन ऑफ दीज, ऑब्वियसली बात है, अगर ये तीनों नहीं है तो फिर नन ऑफ दीज इज द राइट वन। चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो के हमारे लास्ट क्वेश्चन पे। इफ एम इज ब्रदर ऑफ एन, हम साथ साथ बना भी लेते हैं अब। एम इज ब्रदर ऑफ एन, एम जो है वो ब्रदर है एन का। बी इज ब्रदर ऑफ एन, और जो बी है वो बी एन का ब्रदर है, एन का हमें अभी तक कुछ नहीं मेंशन है कि वो फीमेल है या मेल है। बी इज़ ब्रदर ऑफ एन, ठीक है। एम इज़ ब्रदर ऑफ डी, एम जो है वो डी का ब्रदर है, अब डी का भाई है एम, लेकिन ये नहीं पता है कि डी क्या है, सिस्टर है कि उसका ब्रदर है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज डेफिनेटली ट्रू, डेफिनेटली मतलब एकदम ही सही है, ठीक है। अब हम ऑप्शंस पे जाते हैं। एन इज़ ब्रदर ऑफ बी, एन जो है वो बी का ब्रदर है, हमें नहीं पता है क्योंकि मेंशन नहीं है कि वो फीमेल है या मेल है। एन इज़ एन वाले तो ऑप्शंस ही नहीं कर सकते क्योंकि मेंशन ही नहीं है। थर्ड ऑप्शन पे जाते हैं सीधा। एम इज़ ब्रदर ऑफ बी, एम जो है वो बी का ब्रदर है, बिल्कुल सही है क्योंकि हमें मेंशन है कि एम एक मेल मेंबर है और वो बी का भाई है, एन का भाई है, तो एन अगर बी का भाई है तो आपस में तीनों सब भाई ही तो हुए। चलो ये ऑप्शन तो वैसे सही हो गई है, लेकिन नेक्स्ट ऑप्शन भी हम देख लेते हैं एक बारी। डी इज़ ब्रदर ऑफ एम, डी का भी मेंशन नहीं है, नन ऑफ दीज हो नहीं सकता क्योंकि ऑप्शन है। गाइस आज के लिए तो बस बस इतना ही है, तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है देन प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको कोई भी मेरी वीडियो आए तो उसका आपको नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है। अगर आप मेरी वीडियोस और भी ऐसी की चाहते हैं आप, अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी ऐसे की प्रैक्टिस टेस्ट लाऊँ, ऐसी वीडियोज़ लाऊँ, देन प्लीज़ आप मुझे बताइए।
अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो यू कैन कंटेक्ट मी थ्रू माई जी मेल आई डी एंड दैट इज़ अदिति नागपाल 38@gmail.com. अगर आपको कोई भी सजेशन देनी है देन प्लीज़ कमेंट डाउन. थैंक यू फॉर वॉचिंग.